हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सर, आप देख रहे हैं सिनेमा स्वागत हो जी रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर की बायोपिक पाकिस्तान में पहली बार कोई ऐसी ज़बरदस्त बायोपिक बनने वाली है क्रिकेटर पे, क्योंकि जैसे इंडिया में एम एस धोनी की बायोपिक देखी है, हमने सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक मूवी देखी थी और वहाँ पे और मजे मजे की मूवीज इस तरह की बन चुकी है काफ़ी, उनकी वुमेंस क्रिकेट में बन चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान में बन रही है शोएब अख्तर दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर, जिसका रिकॉर्ड अभी तक भी किसी ने तोड़ा और उनकी अभी भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है। तो उसका थोड़ा सा टीजर आया है और मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं चलो रिव्यूज़ देख रहा हूँ तो यार 1 मिलियन व्यूज़ अब तक आ चुके हैं 7 दिन के अंदर, और मैं 7 दिन लेट हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम शाम था तो, और मेरा कैमरा वगैरह भी सही नहीं था मेरा उस टाइम, तो अब फ़ोन छूट लिया तो अब मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 को। बड़ा रंग दिखासी तवा के नाम मनुष्य ने एक दिन ना ऐसी छाती पे लिखा होगा पाकिस्तान शेरपी और रशीद, यहाँ लिखा होगा अख्तर। I don't think you can continue with this sport. You will end up in a wheelchair for the rest of your life. फराज कैसर साहब, क्या बना दिया यार आपने, जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। और गौर रशीद यार इस रोल में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और उनको जैसे सूट कर रहा है यार, शोएब अख्तर का करेक्टर सूट करता हुआ नजर आ रहा है और बड़ा मजे का ये लग रहा है, और टीजर बहुत खूबसूरती से काटा गया है। बाकी इसके हम रिव्यू पे मिलते हैं, वीडियोज में देख लेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा रिव्यू का, डाला ही होगा अगर आप थोड़ी सी देर बाद देख रहे हो।